वेल हेलो नमस्कार मेरे दगड़ियों, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप कि आप लोग सब बढ़िया होला, फर्स्ट क्लास होला। और लास्ट व्लॉग में जो है आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया है, यानी कि गांव के जो व्लॉग्स हैं वो आप लोगों को पसंद आ रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि मम्मी पापा और भाई जो है वो गाँव जा रखे हैं छानी में, जहाँ पर मेरे कज़न की शादी थी। तो बहुत सारी फुटेजेज जो है मुझे मिल रही हैं, तो वो मैं अपने व्लॉग्स में डाल के आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो शुरू करते हैं, दिखाते हैं आपको आगे की जर्नी। कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। व्लॉग एंड तक जरूर देखना, क्योंकि व्लॉग के एंड में जो है वो आपको मेरी नानी जी की पूरी फैमिली दिखने वाली है, कितने भाई हैं, कितनी बहन है, और सारे के सारे जो है वो एक साथ छानी गांव में जो है इस बार साथ में हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा देख के स्क्रीन। आप भी एंड तक व्लॉग जरूर देखना। गुड मॉर्निंग, सुबह के बज चुके हैं 5:30 और लिटरली यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड है सुबह शाम। अभी ये भी मुझे कम लग रहा है भाई, अंदर शर्ट है और ये मैंने जैकेट पहनी है, ये भी कम है फिलहाल। मुझे लगता है एक और पहननी चाहिए अंदर से। और आज है न्यूट्योर, फुल मजे करने वाले हैं। तो यहाँ पे सुबह सुबह 5:30 बजे चाय भी बन चुकी है और मौसी जी यहाँ पे बैठी हुई है, सब चाय पी रहे हैं। पर मौसी जी एक बात है, जब भी मैं गांव में आया हूँ ना, मैं 5:30-6 बजे उठ जाता हूँ। मतलब ऐसे नहीं कि 10:10 बजे उठ रहे हैं, 11:11 बजे उठ रहे हैं, मतलब मेरी आँख खुल जाती है। यहाँ खुल जाते हैं लेकिन दिल्ली में नहीं खुलती। वहाँ नहीं खुलती ना, क्योंकि नहीं, यहाँ रूटीन ही ऐसा है। रूटीन बढ़िया है यहाँ, परिवार उठने लगता ना। हाँ सही में, दिल्ली में ऐसा है कि लोग सोते रहते हैं, ये आदमी कहाँ से उठेगा। वही तो, वो थोड़ा आलस वाला आ जाता है। काम को भी तो दिया, दोनों में तो आलस ही आ रहा है। खुल गई थी, बताओ। मम्मी कह रही है 4 बजे उठ के बहुत सारे काम भी हो गए हैं। चाय पी, दाल धोई। अच्छा दूसरी चाहिए, दूसरी बार की चाहिए। मौसी जी थोड़ा लेट हो गया, थोड़ा लेट हो गया, फिर थोड़ा जल्दी। 4 बजे उठ गया, हाँ। और मम्मी ठंडी के कपड़े नहीं लाए, मम्मी को लगा कि ठंड नहीं है, बट भाई इतनी ठंड है ना सुबह, कोई अगर आ रहा है ना तो भाई स्वेटर जैकेट सब लेके आओ। और मौसी जी भी एक ही स्वेटर लाई है, शायद यही चलाने पड़ेंगे। अब कल पता नहीं क्या पहनेंगे। तो भाई ये हैं दाल जो अभी सुबह सुबह 5 बजे तड़के ये धोई हुई है। उड़द की दाल है ना ये, उड़द की दाल छिलके वाले, मतलब ये धो के छिलके निकाले इसके, थोड़े थोड़े छिलके रख दिए उसमें, इसके पकौड़ी अच्छी होती है। अच्छा तो अच्छा, और इसके बनेंगे पकौड़े हैं, दाल के पकौड़े। अरे वाह। तो यार कुछ देर बाद यहाँ से सूर्य देवता के दर्शन भी होने वाले हैं, और यहाँ से बिल्कुल यार एकदम मस्त नजारा है सनराइज का। तो भाई यहाँ पे बन रहा है नाश्ता सुबह का। तो भाई आज है नाश्ते में गरम गरम पूरी और आलू की सब्जी। देखो यार ये ना कंटर है, और इस कंटर पे गरम पानी 24 घंटे होता रहता है ना, इसमें गरम पानी, इसमें 24 लकड़ी की जरूरत है बस। ये हमारा गीजर है, हाँ ये दीदी ने सही बोला है, ये हमारा गीजर है भाई, सही में 24 घंटे गरम होता रहेगा, जिसको चाहिए वो लेता रहेगा गरम पानी नहाने के लिए। ये हमारी विनीता दीदी जो दूल्हे की सबसे बड़ी बहन है, और ये लकड़ा अभी ये जलाड़ू थे लेना ना, ये नहीं। वाह आलू पूरी कैसे हो रही है? हेलो बढ़िया बढ़िया। और खाना है? राइस मैंने खाना खा रहा हूँ मैं, मेरे को यहाँ पे बढ़िया लग रहा है, पहाड़ भी है यहाँ पर। तो यार हमारे साथ है वेदांश रावत, और वेदांश के बारे में अभी भी पता चला है वो भी व्लॉगिंग करता है। अपना चैनल नेम क्या है आपका? चैनल नेम वेदांश रावत ही है, इसी नाम से है। और क्या करते हो उसमें? बहुत कुछ करते हैं। कैसे क्या? लेगो वाला घर भी बनाया था मैंने, वीडियो उसकी भी बनाई थी। अच्छा तो तुम्हें क्या व्लॉगिंग करना है आगे, या ये ऐसी शौक है? व्लॉगिंग करता हूँ, करनी है आगे भी, करना चाहता हूँ, पर मम्मी ने एक वीडियो भी अपलोड नहीं करी है। अच्छा और किस से सीखा है व्लॉगिंग, ये मतलब क्या, कैसे पता चला? व्लॉगिंग तो मैंने यूट्यूबर से सीखा है, वो वहीं पे देख के। अच्छा और कौन पसंद है? उज्जवल। तो यार अभी थोड़ी देर में गांव की सारी महिलाएं जो गांव की आसपास की हैं वो आएंगी घर पे, और सब मिलके पकौड़ी बनाएंगी। पकौड़ी जो दाल की मैंने सुबह दिखाई थी वो पकौड़ी बनेंगी, और सारे गांव में बटेंगी और सब खाएंगे। सही बोल रहा हूँ मैं, है ना? तिल भी खाना है, दाल पकौड़ी बढ़िया होना ना। अब बताओ कि बना साहब, बोला 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 हैं? अच्छा हाँ
अच्छा पहाड़ी भैजी ना, लेकिन एक बड़ो भाई थोड़ा बहुत बना दिल में हम भी। अच्छा मेरे नाम शैलेश शैलेश। बहुत दिन बाद ये घर में शादी हुआ है। हाँ बिल्कुल बहुत बढ़िया लग रहा है। आज तुम्हारे नाना जी रहा नहीं बैठते भगवान जी तो सब जगह मांगने रोजारी सब होता है। अब पकौड़ा बनाए खा गाली का। हाँ तो भाई चाय और पकौड़ा भी खेण बड़ी नी। नन्नी भी छिन मेरे साथ। और नन्नी कल लगनो तबा इतगा सालों बाद बहुत बढ़िया लगनो ना। सब आया छिना मेरी और सब है ना आपका पूरे परिवार बहुत बढ़िया लगनो। बिपुन चाहिन कभी कभी आन जानो सबूत आन जानो गांव में है ना। के बात नहीं लेकिन बहुत खुशी बात चा कि सब एकत्रित तो यहाँ छिन। तो भाई देखो यार पापा ये पकोड़े हैं। ये सब पापा के हैं। सब पापा के। पापा आप भी खाओ इसको पूरा है। पर भाई इतने बड़े बड़े पकोड़े ये लग रहे हैं पूरी की तरह। इंचार्ज यही है। शादियों में इस तरह के ही बनते हैं पहले पकोड़े में। एक कैटेगरी है और एक छोटी सी होती है। एक छोटी सी जो बोरी जो ये वाली है इसके साथ पूरी होती है। हम लोग काम धाम करते हैं ना पकोड़े में उनको भी उनको दिया जाता है ताकि वो एक मचक हो जाए। स्पेशली शाम के टाइम पे है ना उसके साथ बड़ा चाय के साथ है। अरे नहीं अच्छा तो हम आ रखे हैं अपने नानी के गांव और हमारा नानी का गांव है छानी जो किसके पास पड़ता है पाबो के पास पड़ता है चुपड़ी और पाबो के पास। और एक अद्भुत दृश्य मैं कैप्चर करने वाला हूँ। आप देखिए ये है मेरी नानी जी और ये सारी जो बहने हैं बहने नहीं है मतलब बेटियां हैं सारी नानी की है ना। तो सबसे बड़ी है जेठी माँ मेरी सबसे बड़ी जेठी माँ फिर है छोटी जेठी माँ फिर है मम्मी और फिर है सबसे छोटी बहन मौसी जी और दो भाई और हैं। टोटल छह भाई बहन हैं। तो अभी मैं सिर्फ कैप्चर कर रहा हूँ सारे जेठिमा और मम्मी और मौसी जी को मतलब नानी के चार बेटियों को। तो किसी की कोई यादें हैं जो शेयर करना चाहते हैं कुछ ऐसी यादें पुरानी यादें हैं। बहुत याद आ हमारे पापा यहाँ पे सोए रहते थे हम यहाँ नीचे सोए रहते थे। सब एक ही कमरे में है एक ही कमरे में यहाँ पर बाबा ने पूरे अपने कपड़े टांगे रहते थे। अच्छा यहाँ पर ये ढेबरा है। हाँ और ये ढेबरा बोलते हैं ढेबरे का मतलब ये है कि यहाँ पे स्टोर रूम काइंड ऑफ है। आप देखोगे ना यहाँ पे तो यहाँ पे पूरा सामान यहाँ पे रखा जाता था पूरा जो भी ऐसे सामान हो मतलब हमारे यहाँ स्टोर रूम बोला जाता है और यहाँ पे ढेबरा बोला जाता है ना ढेबरा। तो सब एक ही रूम में है। हाँ ये वाला जो पूरा राशन पानी देना चावल रखने वाले अच्छा। और कन लगनो आज सब लोग आए छिन्न आज शादी माँ सात साल में आए हैं हम आज सात साल में चलो ये बहुत वैसे खुशी छोटे भाई ने गांव में वैसे दिल्ली रहते हैं वो गांव में उन्होंने अपने लड़का की शादी गांव से कर रहे हैं श्रीनगर जाएगी बरात। हमको यहाँ मौका मिल गया अभी आने का मौका अपना बहुत अच्छा लग रहा है हमें।
गांव में। और बहुत बहुत सालों बाद गांव में किसी की शादी हुई है, है ना? बहुत सालों बाद, बहुत साल हो चुके हैं। विनीता की शादी हुई है, उसकी बड़ी बहन की शादी। हाँ, उस टाइम आई थी, उस टाइम से आगे हो रही है। तो फिर तो 12-15 साल हो गए वाला है, ज्यादा 15 साल, 15 साल बाद भाई। नाना जी पे तो नानी का यहाँ पूरा परिवार है, छह। हाँ, सबसे बड़ी बहन, फिर जेठिमा, नहीं फिर मामा जी, फिर मामा जी, फिर छोटे मामा जी, फिर जेठिमा, फिर मम्मी, फिर मौसी जी। ये पूरा परिवार है, पूरा परिवार छाई बहन। बहुत ही अच्छा लगता है जब परिवार एक साथ इकट्ठा होता है काफी टाइम बाद। तो ये ब्लॉग जो है वो यहीं तक ही था। आने वाले ब्लॉग में जो है वो आपको प्रॉपर शादी का जो है पूरा माहौल दिखने वाला है, तो आने वाले ब्लॉग मिस मत करना। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। आई होप कि आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना, और कमेंट करके जरूर बताना है कि जो भाई जो ब्लॉगिंग कर रहा है वो कैसी लग रही है आप लोगों को। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय बद्री विशाल।